दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे गेम पाई जो एक टोकन्स था समथिंग, आज से काफ़ी समय पहले इसका जो प्राइस था मार्केट में, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी हाल में जो प्राइस है समथिंग $160 के आसपास, और इसमें जितने भी IDO जो लॉन्च होते हैं उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन की घंटी को जोर से बजाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समथिंग अगर रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे गेम फाई का जो कोइन मार्केट कैप पे जो रैंकिंग है 350 के आसपास, और समथिंग यहाँ पे 1,000,000 टोकन्स के आसपास अभी मार्केट में टोटल सप्लाई से 7% टोकन अभी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो IDO में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑल टाइम जो इसका हाई था $300 के प्लस इसका हाई था, और IDO में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोइन मार्केट के पे आपको गेम फाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसकी जो वेबसाइट है gamefi.org इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पूरी करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे अगर आपको IDO में पार्टिसिपेट करना है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको IDO में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी जो रैंक है रूक की होना चाहिए, यानी कि इसमें जितने भी IDO में अगर वाइट लिस्ट में अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपका अपग्रेड होना चाहिए रूक की में, ठीक है। रूक की में जो आपको अपग्रेड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसमें अपग्रेड करने के लिए आपके पास होने चाहिए गेम फाई के 10 टोकन, तभी आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। चलो बात ये हो गई, अब बात स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप करोगे। मैं यहाँ पे माय अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है माय रैंक में। माय रैंक में जाने के बाद में आपको यहाँ पे 20, ठीक है, 20 टोकन्स आपको आपको वैलेट में होल्ड करने हैं। उसके बाद में आपकी रैंक हो जाएगी रूकी, जिसमें आप कोई भी IDO में वाइट लिस्ट अंदर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपके पास गेफी टोकन्स हैं तो आप आगे इसमें NFT रिक्वायर्ड, मतलब 100 टोकन अगर आप होल्ड करते हैं तो इलाइट बन जाएंगे, 500 करते हैं तो आपको प्रो बन जाएंगे, और इसके अलावा NFT रिक्वायरमेंट आप NFT भी आपकी जो NFT है वो भी सेल कर सकते हैं अगर 500 से प्लस अगर आप करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो बात करते हैं कि माई पूल्स यानी कि मैंने अभी तक कोई भी टोकन्स होल्ड नहीं किया है तो मेरे पास कोई ऐसा पूल नहीं आएगा, क्योंकि जो 20 टोकन जो प्राइस होती है समथिंग मान के चलिए $160 एक की प्राइस है, तो 20 टोकन की जो प्राइस होती है वो होती है $3200 के आसपास, ठीक है। अब बात हो गई, जैसे कि आपने 20 टोकन होल्ड कर लिए, होल्ड करने के बाद में यहाँ पे टोकन सेल्स के ऊपर आपको जाना है। टोकन सेल्स के ऊपर जाने के बाद में आप जितने भी IDO हैं सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आज मैंने दोपहर को ऐसा ही लगभग मान के चलिए कि ऐसा ही मैंने किया था, और ये एरथा जो कम्युनिटी है, ठीक है, एरथा का जो कम्युनिटी है, पूल कम्युनिटी है, इसमें भी लगभग 18 हॉर्स और 23 मिनट के बाद इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो एक एरथा की टोकन की जो प्राइस होगी 0.018 के आसपास, ठीक है, जो इस एरथा की जो प्रमोशन है लगभग मान के चलिए आपको YouTube पे मिल जाएगा, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब करने के लिए आपको करना क्या, आपको जाना है यहाँ पे 17 hours 1 day का इनका टाइम है, यहाँ पे जाना है डिटेल्स के अंदर। डिटेल्स के अंदर जाने के बाद में अगर आपका रूबी रैंक है, यहाँ पे जब तक आपका रूबी रैंक नहीं होगा तब तक आपको आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्लियर लिखा है रूबी 8 मिनिमम रैंक आपका रूबी होना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे एक बाय करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप इस प्राइस में एर्था टोकन्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, 0.018
0.018 BUSD, यानी कि आपके पास BUSD होने चाहिए। BUSD इस टोकन्स को जितने चाहे उतने बाइनेंस स्मार्ट चेन के USDT से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और परचेज करने के बाद में इनकी जो लॉक शेड्यूल यानी कि इनकी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आपको यहाँ पे पूरी करनी होगी। टर्म्स एंड कंडीशन को आपको देखने के लिए यहाँ पे जाना है व्यू टोकन रिलीज शेड्यूल, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक वाइट पेपर आपके पास खुल जाएगा, वाइट पेपर खुल जाएगा। इसके बाद में ये वाइट पेपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास टोकन्स होंगे ये वाइट पेपर के हिसाब से आपके टोकन्स जो होंगे वो अनलॉक होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा टोटल सिस्टम। और इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अदरवाइज़ कोई अदर जो IDO में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, IGO में, ओके। तो इस तरह से आपको अगर करना है तो कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं पूरा पढ़ के भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन की घंटी को ज़ोर से बजाइए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ओपनिंग इवेंट्स ये है और टोकन सेल्स, स्टैकिंग, अगर आपको स्टैकिंग करनी है तो स्टैकिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास लगभग टोकन्स थे परंतु मैंने स्टैकिंग यहाँ पे नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आप मेटावर्स का जो इनके सिस्टम है वो कमिंग सून है, नव है, अभी तक कोई भी इसमें कोई ऑप्शंस आया नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर एंड लाइक। थैंक यू।